भगवान का विवाह हुआ माता रुक्मणी जी से। रुक्मणी मैया के बेटे हुए प्रद्युम्न, प्रद्युम्न के बेटे हुए अनिरुद्ध। प्रद्युम्न जी का विवाह माता रति से हुआ और ये पिछले जन्म में कामदेव थे, इस जन्म में भगवान कृष्ण के पुत्र बनकर आए हैं। भगवान श्री कृष्ण के दूसरा विवाह हुआ है जामवंत की बेटी जाम्बवती से। जाम्बवंत जी, जाम्बवंत के वचन सुहाए सुनी हनुमंत हृदय अति भाए। जाम्बवंत के वचन, जाम्बवंत के वचन सुहाए सुनी हनुमंत हृदय अति भाए। जाम्बवंत जी के वचन अच्छे लगे भगवान हनुमान जी को। ये वही जाम्बवंत जी, इनकी बेटी का नाम है जाम्बवती, इनसे भगवान का दूसरा विवाह संपन्न हुआ। तीसरा विवाह हुआ क्या था, भगवान को ना झूठा कलंक लगा। एक बार द्वारिका में भगवान ने चांद देख लिया। कौन सा चांद? जो आपन चाहे कल्याणा सुजसु सुमति शुभ गति सुख नाना। सो पर नारी लीला रे गुसाई तजाऊ चौथ के चंद्र किनाई। जो अपना कल्याण चाहती है या चाहता है, रामचरितमानस में देखो बढ़िया बातें हैं। अब देखो मैं दूसरी बात पर अमल करूं। शास्त्रों की एक बात यह भी है कि पराई स्त्री को नहीं देखना चाहिए, लिखा है सो पर नार लिलार गुसाई तजाऊ चौथ के चंद्र की नाई। तो पराई औरत को नहीं देखना चाहिए। रावण को समझा रहे हैं विभीषण जी, तुम ले आए हो नाश हो जाएगा। रावण नहीं माना तो रावण को क्या समझाया, जैसे गणेश चतुर्थी की चंद्रमा को नहीं देखा जाता। गणेश चतुर्थी मतलब जिस दिन गणेश जी रखे जाते हैं उस दिन की चांद को नहीं देखते, कलंकित है वो चांद। गणेश जी ने श्राप दिया है चांद को, आज के दिन तुम्हें जो देखेगा उसे कलंक लगेगा। क्या लगेगा? जोर से कलंक। इसलिए गणेश चतुर्थी की चांद को नहीं देखा जाता। एक दिन भगवान ने देख लिया तो भगवान को झूठा कलंक लगा। जो अपना कल्याण चाहता है तो पराई औरत को ना देखे, पराए पुरुष को ना देखे, तब तो आपका भला है। शास्त्रों की ये बात भी मान लो कि पराई औरत को नहीं देखना, पराए पुरुष को, ये बात मानने लायक है कि नहीं? शास्त्रों की बातें आज के लड़के मानते नहीं हैं, जबकि शास्त्र हमेशा आपके शुभ चिंतक रहे हैं। हमारी मत मानो, हमारी मत मानो, शास्त्रों की मानो। उनमें लिखा है कि पराई औरत का परिणाम रावण हर साल जल रहा है।
पर नारी पहनी छुरी, तीन तरफ से खाए, धन हरे यौवन हरे और घोर नरक ले जाए। पराई औरत अच्छी है कि बुरी है? बुरी। इसलिए इन बातों को समझिएगा। आपका विवाह हो गया, पराई औरत को नहीं देखते ना? सही बताओ, नहीं? आपका हो गया विवाह, पराई औरत को देखते हो? सही। जेठालाल की तरह बबीता जी को तो नहीं देखते? और आप लोगों की चार महापुरुष बैठे हैं, एक जगह सेट हो। और आप लोग, आपकी हो गई शादी? अभी नहीं, शादी नहीं हुई? कहीं सेटिंग तो नहीं है? और आपकी हो गई शादी? पराई औरत को तो नहीं देखते? शादी हो गई? पराई औरत को देखने से पहले रावण के चित्र को सामने ले आइएगा। पराई औरत को देखने से पहले रावण का ध्यान कर लीजिएगा कि रावण ने देखा था तो क्या हुआ और तुम्हारा क्या होगा रे, है ना? यदि तुमने देखा तो तेरा क्या होगा रे कालिया। समझा रहे हैं बहुत अच्छे से शास्त्र भी, संत भी, ये दास अनिरुद्ध भी। समझो, समझो बेटा, समझो, मान लो। पर नहीं, तुम्हें तो पराई औरत का कीड़ा काटता है। पत्नी होते हुए भी कुछ लोग यहां वहां ताक झांक करते हैं, दिन भर व्हाट्सएप में किसी ना किसी को आई लव यू लिखते ही रहते हैं। नाश हो जाएगा, बच के रहना।